હેલો, કેમ છો બધા? સ્વાગત કરું છું હું તમારા સૌનું મારી આ ચેનલમાં, જેનું નામ છે વોઇલા વોઇસ ઓફ ઈલા અનંત આચાર્ય. અને થેન્ક યુ સો મચ તમારા બધા સપોર્ટ માટે, તમારા પ્યાર માટે, તમારા એપ્રિસિએશન માટે. તમે એને લાઇક કરો છો, સબસ્ક્રાઇબ કરો છો મારી ચેનલને, શેર કરો છો, એના માટે થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ સો મચ. સો ગુજરાતી મેં ઇતના હિ, અભી હિન્દી મેં કન્ટિન્યુ કરતી હું. તો આજ કા ટોપિક હૈ મેન્ટલ મૂવીઝ, યા હમ ઇસે विजुलाइजेशन भी बोलते हैं, कभी कभी इसको इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे अमेजिंग, सबसे पावरफुल जो टेक्निक है वो होती है विजुलाइजेशन. अब इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हम देते रहते हैं, मेंटल मूवीज़ है या इमेजिनेशन है, या यही कि आपको जो चाहिए उसको आपको एंड रिजल्ट आपको विजुलाइज करना रहता है. तो पूरे दिन में आपको पता भी नहीं होता, लेकिन काफ़ी बार आप बहुत विजुलाइज कर लेते हैं बहुत अच्छे से, विथ ऑल योर फीलिंग, विथ ऑल योर एफर्ट और सब कुछ. और हमको कैसी आदत है, हमको आदत है कि कुछ अगर गलत हमारे साथ हो रहा है, नेगेटिव कुछ चीज़ है, तो उसको हम बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया. और उस विजुलाइजेशन में हमको इतनी फीलिंग आती है कि हमको पसीना आने लगता है, हमको हमारे पूरे चेहरे पर पसीना पसीना हो जाता है, हमारे हाथ पे पसीना आ जाता है, और हमारी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि ये क्या हो रहा है. जबकि हम सिर्फ एक मेंटल मूवी देख रहे होते हैं, या एक ड्रीम देख रहे होते हैं, या एक विजुलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है. लेकिन इसका ऑपोजिट अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुछ अच्छा विजुलाइज करें आपके बारे में, तो बहुत मुश्किल होता है. कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन उसमें आपको फिर डाउट्स और क्वेश्चन मार्क्स और ये कैसे हो सकता है, ये कब होगा, ये कहाँ से होगा, वो सारे बहुत क्वेश्चंस होते हैं तो आप विजुलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाते. लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत अमेजिंग टेक्निक है कि आपको यही विजुलाइजेशन प्रोसेस को अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि इसमें फीलिंग ऐड करनी होती है. आपको विजुलाइजेशन प्रोसेस में एंड रिज़ल्ट को देखना होता है, और उस एंड रिज़ल्ट के आपको मिलने के बाद, यानी ऐसा कहो कि आपकी मैनिफेस्टेशन अगर कंप्लीट हो गई हो तो आपको कैसा फील होगा, वैसा आपको विजुलाइज करना होता है, फील करना होता है. तो विजुलाइजेशन प्रोसेस या मेंटल मूवीज़ या माइंड मूवीज़, आप जो भी कहें, आप उसको करने के लिए थोड़े से पॉजिटिव वाले मूड में हो तो बहुत अच्छा रहता है. जो आपको आपका जो एक फेवरेट प्लेस होता है वहाँ पे आप बैठ के करें, या आप एक अच्छा सा म्यूज़िक सुनते हुए विजुलाइज़ करें, तो बहुत अच्छे से आपका विजुलाइजेशन का रिज़ल्ट मिलता है आपको. और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान है, तो आप देखो, आप बैठे हो कहीं पे या आप कुछ सोच रहे हो, तो उसका विजुलाइजेशन चलता ही रहता है. विजुलाइजेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच कीप्स ऑन टेकिंग इन योर माइंड, क्योंकि आपका जब कुछ सोचते हो ना, तो उसका इमेज आपके सामने आता है. विजुलाइजेशन का मतलब क्या है, विजुअल्स आते हैं, आपने आँखों से जो कुछ देखा हुआ होता है, आपके आँखों के सामने कुछ जो आपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ देखा हुआ होता है, वो आपके सामने होता है, या आपके सामने वो बार बार आता है. तो आपको हमेशा, सब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो विजुलाइजेशन प्रोसेस में पूरा प्रोसेस आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है. बस ये इमेजिन करिए कि आपको जहाँ पे जॉब चाहिए वो जॉब आपको मिल गई है, और आप वहाँ पे बहुत खुश है, आपके कलीग्स बहुत सपोर्टिव है, आपका बॉस बहुत अच्छे हैं, बहुत आपके घर के नज़दीक हैं, यानी जो भी आपका जॉब के रिलेटेड पॉजिटिव जो भी है, वो सारा आप विजुलाइज़ करिए. आँख 10 मिनट 15 मिनट आँख बंद करके एक मेंटल मूवी के जैसे देखिए, कि आपको उस चीज़ में और उसको करते हुए आपको फील करना है कि अगर आप पहले दिन जॉब जा रहे हो, या आपके जॉब का एक महीना हो गया है, आपके अकाउंट में सैलरी आ गई है, कैसा लग रहा है आपको, उस सैलरी से आपने क्या किया, आपके फैमिली के लिए आपने क्या क्या खरीदा, आपने कौन से बिल पे किए, आपने कहाँ पे पार्टी करी, वो सारा आपको एंड रिज़ल्ट विजुलाइजेशन में इमेजिन करना है. और इसको
तब तक करना है जब तक आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। मोस्ट प्रॉब्लली अच्छे मूड में करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। सो स्टार्ट डूइंग दिस मेंटल मूवीज डेली, विजुलाइजेशन प्रोसेस डेली, और देखिए आपका रिजल्ट कितना जल्दी अच्छे से आता है। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।